أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا पर तबीयत इधर नहीं आती। तालिब जैसे शायर
तो आजकल ये हालात हैं। अब आप ये सोचिए कि इतने अहम लेक्चर्स होते हैं यहाँ जिसकी सारी दुनिया में शोहरत है, यानी अब ये जो देखा जा रहा है ये सारी दुनिया में फैल जा रहा है, इससे जो जा रहा है और बाहर से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे मुखरिन से और वजाहतें आती हैं, वहाँ के पर्चों में छपता है, ये जो इनका खिताब होता है उसका इकतबास छपते हैं वहाँ और कई जगह से टेलीफोन आते हैं, इतना यहाँ आए तो वहाँ के मिलते हैं बैठते हैं, मगर हमारे मुकामी हजरात के पास ज़रा ख़तर। तो मेरी एक तजवीज़ है, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने साथ कम अज़ कम एक या दो हज़ार को साथ लाएँ और अपनी अपनी मस्जिदों में ये ऐलानिया का ऐलान कराएँ। मसलन किसी मस्जिद में आपने ऐलान कर दिए कि भाई आज शाम में असर में से महफिल है, ज़रूर चलिए फ़लाँ मुखरे से आप तशरीफ़ ला लें, तो ये बड़ा सवाब का काम। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग घर बार छोड़ के तबलीग के लिए दो दो दिन तीन तीन दिन महीना दो महीने तीन महीने चले जाते हैं और हमसे ये नहीं होता तबलीग के लिए कि किसी को दावत देकर साथ लाएँ। कितनी अच्छी बात होगी अगर आप ये तय कर लें कि मैं किसी एक साहब को साथ ले रहा हूँ, या आजकल छुट्टियाँ हैं कॉलेज लड़कों को नौजवान बच्चों खेल कूद में जाते हैं तो फिर उनको लाइए तरगीब दीजिए, उनको महसूस होने दीजिए। सही है इनका मेयर हमारे बुखर इनका मेयर उनको समझ में ना आए, लेकिन उनको ये तो मालूम होगा कि इस्लामी तहजीब कैसी है, हमारे महफिल कैसे होते हैं, हम एक साथ जोड़ के कैसा बैठते हैं और फिर हमारे दरमियान कैसा मेल मिलाप फैलता है, ये तमाम बातें होती हैं। तो मेरे मुझे कभी तौर है कि आप इसके बाद इस पर तवज्जो फरमाएंगे। मैं आज उनके आमद ज़रा वो है मैयत में, हम आपसे टेलीफोन आया था, चल गए हैं आ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं हमारे मस्जिद के पेशमा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहरशी पर तशरीफ़ लाए और आपको कुछ मजमून सुनाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يقينا الله تعالى إيمان والوں پر احسان فرمایا उन्हीं में से एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो लोगों के सामने अल्लाह की किताब कुरान मजीद की आयतें पढ़कर सुनाएं, वयुज़क्कीहिम, और लोगों को पाक साफ करें ताकि उनमें से किसी से गुनाह ना होने पाए, और गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से कैसे माफ़ी मांगना चाहिए उसका तरीक़ा बताने के लिए तशरीफ़ लाए, वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान व हदीस की बातों को सिखाने के लिए दुनिया में भेजे गए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया के निज़ाम क्या था अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, वइन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले सारे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भेजे गए ताकि दुनिया में दीनी निज़ाम आम किया जाए, ताकि लोगों को अल्लाह का तआरुफ़ करवाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि गैरुल्लाह के सामने सजदे नहीं किए जाते, अल्लाह ताला की इताअत की जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत यानी एक होने का इकरार किया जाए, और अल्लाह जो चाहते हैं उसको किया जाए और अल्लाह जो नहीं चाहते हैं उससे बचा जाए। इन बातों की तशरीह के लिए परवरदिगार आलम ने सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। रबीउल अव्वल में या किसी और महीना में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जलसे मुनाकिद किए जाते हैं वो सारे जलसे मुबारकबादी के काबिल हैं, जलसे होना चाहिए और जितने जलसे हो रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें मकबूल फरमाए, मगर जलसे में मुकर्रर हजरात की जिम्मेदारी है कि आवाम को दीन पर चलने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तलकीन की जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत हम सब की ज़िंदगी में आ जाए, ये आला दर्जे की बात है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा,
तब यहाँ तभी तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस शरीयत के मुताबिक ना हो जाए जो शरीयत लेकर मैं आया हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौका से इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। बंदा को चाहिए कि अल्लाह ताला को मनाने का काम किया जाए। अल्लाह राज कायनात की हर चीज, अल्लाह राजी कायनात की हर चीज़ राजी, अल्लाह नाराज़ कायनात की हर चीज़ राजी होने के लिए बावजूद हमारा कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी हयात तैयबा में कोई गुनाह नहीं हुआ, ये हमारा अकीदा और हमारा यकीन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादतें फरमाई उस पर पूरी तवज्जो दी जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सबसे पहले तशरीफ़ ले जाएंगे और जन्नत के मर्द और औरतों के सरदार हमारे नबी होंगे। क़यामत के दिन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ठहरे रहेंगे, सारे मखलूकात ठहरी रहेंगी ताकि हिसाब किताब शुरू किया जाए। अल्लाह ताला से इस बात को अर्ज करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। लोग निकलेंगे सिफारिश के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उन मुअज्जिद नबियों और रसूलों से कहेंगे, कब्रों से निकले हुए बरसों हो गए, आप अल्लाह ताला से सिफारिश कर दीजिए। हर नबी कहेगा मुझसे ये काम नहीं हो सकता, किसी और से कहो। आखिर में सब मिलकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करेंगे, आप सिफारिश कीजिए कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमा दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सजदा फरमाएंगे, बहुत देर तक सजदा होगा और उस सजदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इतनी तारीफ़ फरमाएंगे जितनी तारीफ़ पूरी कायनात के लोगों में से किसी ने ना की होगी, और अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, जो आप मांगेंगे पूरा किया जाएगा और जिस चीज़ के लिए सिफारिश करेंगे कबूल की जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم حاضرین اکرام आज जो है शरीयत इंफॉर्मेशन के 808वीं नशिस्त है और आज का मौजू है वो तशरीफ़ लाए जिसका ज़माने को इंतज़ार था। असल में आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आ तशरीफ़ लाए तो आप पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है, और हर नबी दौर गुजरते गए, अंबिया इकराम मबूस होते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं, मैं जो शरीयत लेकर आया हूँ वो आखिरी शरीयत नहीं है, आखिरी शरीयत आने वाली है। जितने अंबिया इकराम हैं सारों की तालीमात यही थी, और बनी इसराइल में बिलखसूस यहूदियों के बारे में उनके पास तो बहुत ज़्यादा तौरात में बहुत ज़्यादा निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो भी मुंतज़िर थे, और उनके बारे में आता है कि जब उन्होंने निशानियाँ देखी तो अरब फिर के पहले मुल्क शाम में जाके आबाद हुए, लेकिन फिर उनके एहसास हुआ कि मुल्क शाम में भी खजूर के दरख्तों का जिस तरह तस्करा है वो यहाँ और वो पहाड़ी सिलसिला या नहीं है, तो फिर उन्होंने मदीने मुनव्वरा का इंतखाब किया और मदीने मुनव्वरा के अतराफ़ जिसका नाम पहले यसरब था बड़े बड़े किले बनाकर उसमें आबाद हो, वो भी इंतज़ार में थे।
फिर दूसरी ये चीज़ ये कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में भी ये था कि आखिरी नबी आएंगे उनका नाम अहमद होगा। तो जो है सारी मजहबी कुतुब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, आपकी निशानियाँ, आपके बारे में पेशंगोइयाँ थी, ये मौजूद थी और सब लोग मुंतजर थे। खुद अगर हम जो है सरजमीन हिंद का जायज़ा लें तो जो है नेपाल का एक शहजादा था कपिल वस्तु का, तो जो है वो जिसको जो है लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्धा के नाम से याद किया जाता है, उसकी तालीमात में भी बात मिलती है कि देखो मैं आखिरी बुद्धा नहीं, आखिरी बुद्धा शहर पक्का में आएगा, मक्का की बदल पक्का, और उसका नाम मित्रा होगा। तो ज़बान का ट्रांसलेशन करके उलमा ने, स्कॉलर्स ने बताया मित्रा के माने अहमद के हैं, और बाज़ ने कहा कि मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये फिर उसके बाद वाज़ निशानी है कि जब मक्का में आएगा तो 10,000 घोड़ा सवार अनफास उसी के साथ आएगा। जिस वक्त मक्का फतह हुआ तो हम देखते हैं कि नबी अकरम से 10,000 सहाबा की जमात थी, काफ़ी निशानी है। कुरान मजीद ने कहा यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम, या आपको ऐसे जानते हैं उनको जैसे अपनी औलाद को कोई पहचानता हो, इस तरह पहचानते हैं, इतनी निशानियाँ बताई गई थी। फिर सारा ज़माना आखिरी पैगाम, आखिरी शरीयत का मुंतजर था। एक बेचैनी की कैफियत थी ज़माने में, सुकून कोई नहीं था, ज़माने को इंतज़ार था कि वो तशरीफ लाएँ, ये फरारी बेचैनी। लेकिन यहूदियों को बड़ा तवक्कुल था कि जो है एक बड़े कसीर अंबिया का जो है कसरत से अंबिया जो मबूस हुए बनी इसराइल में, तो उनको ये था कि वो जो भी होंगे बनी इसराइल में से आले याकूब में से होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो एजाज़ आले इस्माइल के हमें लिख के रखा था, आले ईसा आले याकूब को नहीं था, आले ईसा को नहीं था। अब फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो उस पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो है बाज़ का ज़हन सोचता है, उसके जवाब भी हमारे उलमा ने दिए हैं कि अगर मबूस होते तो फारिस में, ईरान में होते, तहजीब, तमद्दुन, सिविलाइजेशन, इख्तदार, कुव्वत, ताकत, बादशाहत वहाँ थी, किसरा। फिर नहीं, दूसरा सुपर पावर था रोम, कैसर, वहाँ होते ही वो ईसाई थे। ये मजूसी, पर्शियन, फारसी, ईरानी आग की पूजा करने वाले मुशरिकी, और ये जो है कैसर, ये जो है ईसाई मज़हब यहूदियों को बहरहाल कहीं ना कहीं मानने वाले, किसी तस्वुर बदलाव तस्वुरों से ही मानने वाले। तो मसला ये था कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको उम्मीद थी कि कहीं हों, लेकिन ऐसे इलाके में मबूस किए गए जहाँ कोई इख्तदार नहीं था, बादशाही निज़ाम ही नहीं अरब में, यमन में था। जब यहाँ से यमन ख़त्म होता फिर अरब शुरू होता तो फिर कहीं बादशाही निज़ाम ही नहीं। अलबत्ता जो इसके इलाके थे यमन, शाम, मिस्र, अरब के इलाके, उस पर जो है कब्ज़ा करे हुए थे कहीं ईरानी और कहीं जो है रूमी, कब्ज़ा था उनका। फिर उनकी तहजीब के अतबार से, तमद्दुन के अतबार से, इल्म के अतबार से बड़े बिछड़े लोग, बैकवर्ड जिनको हम कहते हैं, वो ऐसे माशरे में मबूस किए गए। तो उसकी क्या खूबियाँ थी, वजूहत क्या थी, उसके बारे में हज़रत रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, खाला खरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने पढ़ा, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यहाँ पर भी फतह अल्फाज से पढ़ा, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम के बजाय अनफुसिकुम पढ़ा, वखाला अना अनफुसिकुम नसा बसीरन व हसबन लैसा फीहा माई बिलदुना आदम सिफा कुलना निकाह। ये जो है ज़रख़ाई शरह
इब्न उदैना में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत ने फरमाया इस आयत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया रिवायत है कि उसने इस आयत को यानी लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अन्फुसिकुम फ़तह से पढ़ा। इसके माने है कि बेशक आए तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल तुम्हारे अशरफ और अफजल और सबसे ज़्यादा नफीस ख़ानदान से। ये खूबी हदीस के मुताबिक इस आयत की तिलावत के अवसर ने इरशाद फरमाया कि बाएतबार हसब नसब के तुम सबसे अफजल और बेहतर हो। फिर फरमाया मैं इस पर फख्र नहीं करता। सही मुस्लिम में असला बिन अलास्का से रसूलुल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से बनू कनाना को मुंतखब फरमाया और बनू कनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशम को और बनी हाशम से एक जगह आए कि अब्दुल मुत्तलिब को और अब्दुल मुत्तलिब से मुझ को मुंतखब फरमाया और बरगुजदा किया मुझे मुंतखब कर लिया। ये इब्ने साद की रिवायत में बनी हाशम के बाद अब्दुल मुत्तलिब का भी लफ्ज़ आया है। उस ज़माने में अरब को तमाम अखवाम पर चंद वजूहात की बिना पर फौकियत और इम्तियाज़ हासिल था। ये सब होने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से सारी दुनिया में अरबों को फौकियत और इम्तियाजी शान हासिल थी और ये शान के मुकाबले कोई कौम इनके हम पल्ला हर अवसर ना थी। ये जो खूबियाँ थी उनमें उसके हम पल्ला कोई नहीं थे ज़माने में। पहली चीज़ थी हसब और नसब। सिलसिला बताते थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक अपना बाज़ रिवायतों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो बहुत सारे रिवायतों में मौजूद है तो नबी अकरम ने बताया था। तो जो ये सिलसिला अपना बताते न सिर्फ इंसानों का बल्कि जानवरों के भी नाम और उनका नसब असल याद रखते। जानवर पालतू पूरे घोड़ों के ऊँट के मच्छर के खदे के कोई जानवर ऐसा नहीं छुटा था जिसके असल नसल का सिलसिला पूरा नहीं मालूम था। इसलिए ये आला नसल का बोलते भी अच्छी नसल का नहीं है घोड़ा कैसे बोलते याद रखा था हम ज़माने में नाम भी रखते हो। नबी करीम समझी उठनी का नाम खसवा मशहूर और भी उठनियों के नाम आए तारीख की किताबों में। नबी सलम जिन घोड़ों पर सवार करे उसका नाम खच्चर पर सवार हुए उसका नाम एक गधे पर सवार हुए उसका भी नाम जिन जिन सवारियों पे सवारी करे सबके नाम। हद ये के जो दूध नबी करीम सल्लम को लाया जाता था पिलाने के लिए जो हज़रत अब्दुल्ला ने तरके में बकरियां छोड़ी थी उनके नाम मौजूद जमजम बरका सका सबा नाम मौजूद। उनको चलाने वाले चराने वाले उनके साथ एक बकरा चलता था उसका नाम उमन उससे उनको चराने वाले का नाम होगा उम्मे अमन पूरे मौजूद। आप देखेंगे ऐसे असब नसब ये फिर ये भी याद रखते कौन आज़ाद बदन से पैदा हुआ खुर्रा औरत से कौन कनीज से बांधी के बदन से पैदा हुआ हसब नसब जब बयान करते ये भी बोलते देखिए क्या खूबी उनकी शुजात बहादुरी और शुजात का यह हाल था कि जिस वक्त सारा आलम आलम खैसर और कसरा का महकूम और गुलाम बना हुआ था अरब उस वक्त बावजूद बेसरो सामानी के कोई बगैर इख्तदार के किसी के महकूम न थे। इख्तदार नहीं था लेकिन किसी के महकूम भी नहीं थे कोई बादशाह निज़ाम नहीं था लेकिन किसी के महकूम नहीं थे। जुर्रत का यह हाल था कि अरब का एक अदना फ़कीर बात करते वक्त किसी बड़े बादशाह से भी मरूद ना होता था। क्या बहादुरी देखी बादशाह बता चल रहे थे मुझे क्या करना होगा बादशाह तो अपनी बना तो आपसे बात करो। सखावत व इशारा सखावत का यह हाल था कि एक मेहमान की खातर सालिम ऊँट जुबा कर डालते थे। मेहमानदारी का बड़ा हो गया सखावत एक मेहमान है एक आदमी के लिए तो एक ऊँट की जरूरत नहीं है ना बड़ा ऊँट जुबा कर डालते उसके एहतमाम के लिए दावत फरहान भी मिजाज ही अरबों में मौजूद आज भी मौजूद है। अभी इस गए गुजरे दौर में जबकि अरबों के बारे में बहुत सारे बुराइयाँ सुनते आज भी अरब मेहमानदारी में उनका मुकाबला दुनिया में किसी इलाके के लोग नहीं कर सकते। और ये मैं भी कोई फ़ख्र के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये हकीकत है कि सारे हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में हैदराबादियों की मेहमान नवाजी का मुकाबला कोई इलाके के लोग नहीं कर सकते और ये हैदराबादियाँ भी अरबों का मुकाबला नहीं कर सकते।
इनकी मेहमान नवाजी। अगर अब बोले साहब हमारे पास बाजू ऐसे लोग रहते आप उनके बारे में जानिए, वो हैदराबादी नहीं होते अगर आपकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे थे। वो भी और मैं कहता हूँ जब यह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 2002 में इजलास हुआ, उल्मा ने हमसे कहा कि आप जब आए हमारे पास तो हमारे इलाके में हम यूपी के उल्मा ने कहा कि हम ऐसा आपके लिए इहतमाम नहीं कर सकते, आप सोच लीजिए। हमने कहा कि हम आप इहतमाम करना बोल के नहीं करते, हम हमारा काम ही मेहमान नवाजी सी अंदाज की होती है हमारी। बड़े बड़े उल्मा ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, तो ये हैदराबाद ही इस तरह जिस तरह है ना पूरी दुनिया में अरबों की मेहमान नवाजी मशहूर, कोई नहीं कर सकता। फिर खुद भूखे रहते हैं मगर मेहमान को भूखा रहना गवारा नहीं। मशहूर साहबी का वाकया, हुजूर के पास मेहमान आए, घर भेजा किसी के पास खाने के लिए, सारे अजवा जब तारात के पास ऐसे जवाब आया पानी के सिवा कुछ नहीं। एक साहबी को कहा, उन्होंने कहा लेकिन मैं मेहमान बना लेता हूँ आपको लेकिन। बीवी से पूछो तो बोले अपन और बच्चे खा सकते हैं, क्या बच्चों को समझा के सुला दो और चिराग जब हम बैठे खाने तो चिराग दुरुस्त करने की तौर पे चिराग को बंद कर दो ताकि मैं हाथ उठाऊँ, मेहमान ने समझे मैं खा रहा हूँ, पेट भर के खा लें। खुद भूखे रह गए खिलाए, सुबह गए कुरान की आयत आई उसे फरमाया जो अपने नफ्सों पर अपने भाइयों को फौकियत देते हैं, खुद भूखे रहते दूसरों को खिलाते, अल्लाह ऐसे बंदों को चाहता है पसंद करता है। खुश हो गए साहब मेहमान नवाज, बहुत ज़बरदस्त कुव्वत हाफिज़ा और ज़कावत। अरब के हाफिज अरब का हाफिजा और जकावत का तो सारे आलम में डंका। कई सौ शेर का खसीदा एक ही मरतबा सुनकर याद हो जाता था, सौ सौ शेर का खसीदा हो एक मरतबा सुने तो जबान याद कर लेते थे, फिर उसको हम दस दस वक्त पढ़े तो याद नहीं होता। हमारा हाफिजा ये सौ शेर दस वक्त पढ़ के वो याद करके बता देते, मुश्किल हाफिजा का हाल। फिर ये के कई कई हजार अशार के कसीदे याद रहे। हम जब एमए कर रहे थे तो पर जो है वो अशार दौरे जाहिलियत के सबे मौलाखात के अशार पढ़ते थे, तो उसके बाद हम आगे देखे कि एक शायर ने खाली अपने महबूबा के आँख की तारीफ में 5,000 शेरों आँख की तारीफ में जो रब भी जान सकते हैं जाके लाइब्रेरीज में या फिर अभी भी उस्मान यूनिवर्सिटी में आप बुक्स देखें बस उसकी लाइब्रेरी में ऐसे अशार जिसको अरबी आती पढ़े तो अशश करे ऐसे अशार ज़बानी याद रहते थे। गैरत और हमियत पांचवा वस्फ चार बोलता चुका पांचवा ये आता कि अपने कबीले की अदना बेहुमती पर जान और माल को पानी की तरह वाड़ा देता, इसलिए वो जंगे फुज्जार जो सुने कई जंग हुए एक ही जंग नहीं है हुए, क्यों हुए, तेरे कबीले का ऊँट तेरे कबीले का घोड़ा मेरे कबीले के ऊँट या घोड़े से पहले पानी कैसे पी लिया जंग उसके ऊपर। इज्जत का मामला शर्फ का मामला। मैं एक और वाकया अर्ज करूंगा कि गैरत और हमियत का वारिश भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र रिवायतों में आता है कि 34 या 36 साल ज़बरदस्त बारिश हुई और काबा कटोरे की तरह था, काबे के तरफ दीवारें कमज़ोर पड़ी पानी जम गया और दीवारें गिरी हजर असवद भी गिर गया, काबे की दीवारें उठाए दीवारें सब मिलकर उठाए, जब हजर असवद नस्ब करने का मामला आया तलवारें निकाल के नौजवानों ने उंगलियाँ काटना शुरू करी और एक तश पे डाल के उसमें उंगलियाँ डाल के ख़सम खाने लगे, या तो शर्फ हमारा कबीला हासिल करेगा हजर असवद की तनसीब का या हम जान दे देंगे। बड़े बुजुर्गों ने देखा ये तो खतरनाक है, ये तो ऐसी आगे के सारे अरब को भसम करके रख दे खा ले, तो उन्होंने कहा कि हम फैसला करते तुम नौजवान चले जाओ। बड़े बुजुर्ग बैठ के फैसला किए कि सुबह जो आएंगे उनके जरिए फैसला होगा। नबी करीम सल तशरीफ लाए, अभी नबी ने बनाए मबूस नहीं हुए थे 40 साल के नहीं हुए थे, लेकिन आपको कब बनाया आपने उसको अपने हाथों से नफ्स किया वाकया पूरा है, वो चादर पकाए सबको एक एक तरफ पकड़ो बोले सब पकड़ के उठाए, सारे कबीलों ने समझा हमको एजाज मिला, असल एजाज नबी करीम सबको अल्लाह ताला देना चाहता था उनको दिया। पहले लिया कि मैं बताना ही चाह रहा था कि क्या बात कि गैरत हमियत हमियत का मान नहीं सब ये एजाज मुझे होना मेरे कबीले को मेरा कबीले का सरदार नसब करना ये ख्वाब। और ये बताऊँगा ये सारी चीज़ें जब इस्लाम में आ गए
तो अब ये अहमियत इस्लाम के दीन इस्लाम के लिए हो गई, किसी को परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं। शाह ईरान के दरबार में गए, तलवार से जो है पूरी उसके खालिद को सुराखा मार देगा, उसके बाजू पड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे हथियार देखो, मेरे हथियार मेरी फौज क्या लड़ रहे, भले इन लोगों को क्या देते, ठोकरों में मट्टी भर के देते। खुशी खुशी जाने लगे। सबने कहा साला ये खुशी खुशी जा रहे, अरे बगैर लड़े लोग आपकी जमीन दे दिए भाई, नेक्स्ट स्कूल ले लिया उसे इसी के लिए। देखिए आप किसी को खातिर में नहीं लाते थे, फिर जो है हिम्मत शुजात दीन के एक काम आई। फसाद और बलागत, बड़े फसीह लिसान, फसाद और बलागत में कोई जबान अरबी जबान के पासन में भी नहीं, बल्कि अव्वल तो किसी जबान में इल्म बलागत पर मुश्तमिल किताबें ही नहीं, इल्म बलागत पर किसी जबान में कोई किताब ही नहीं। अगर कुछ है कहीं कुछ किताब भी मिल रही है तो सब अरबी जबान की किताबों से माउस और मसरूख है, या तो उससे अक्स कर लिए या उसका चुरा लिया, वहां से ले लेके अपनी तरफ से डाल दिया। अरब उस दौर में अफ़ार और अमाल के लिहाज से अच्छे ना थे, मैं पहले अर्ज कर चुका, मगर अखलाक इस्तेदाद और फितरत के लिहाज से निहायत पसंदीदा थे। अखलाक इस्तेदाद और फितरत, अब वजह क्या थी, आमाल की इस्लाह आसान है सहल है, मगर अखलाक और फितरत और जबिलत का बदलना नामुमकिन है। फितरत और जबिलत नहीं बदल सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी नबूवत रिसालत के लिए उस खानदान को मुंतखब फरमाया ताकि उस कौम का जो नबी पैदा हो वो कामिल अखलाक सलील फितरत और सहीहुल जबिलत हो, इसलिए कि नबी के लिए कामिल अखलाक का होना जरूरी है, लाजमी है, ताकि दूसरों की वो इस्लाह कर सके। इसलिए अरबों में उन्होंने सबको महफूज फरमाया, वो जो शक शुबा था खत्म हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे प्यारे साहिबजादे अब्दुल्लाह के नाम भी बड़ा खूब, अल्लाह का जो नाम है वो इसमें जलाला भी कहा जाता है, इसको बाज उलमा ने इसको इसमें आजम भी कहा है, और हदीस मुबारका में यह कि उसने फरमाया नामों में सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। अब्दुल्ला का तर्जुमा और उर्दू में अल्लाह के बंदे, ये नाम भी कुरैश में सिर्फ हुजूर अकरम सब के वालिदी का सबसे पहले रखा गया, उससे पहले अब्दुल्लाह किसी का नाम देता। खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तबकात इब्ने साद में रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब तमाम कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील और सबसे ज़्यादा हवीर जिस्म और सबसे ज़्यादा बुर्दबार और हलीम और सबसे ज़्यादा सखी और करीम और सबसे ज़्यादा शर और फितने से दूर भागने वाले थे और कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जूद करम अपने बाप हज़रत हाशिम से भी बड़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब की मेहमान नवाजी इंसानों से गुजरकर चरिंद व परिंद तक पहुंच गई थी, जानवर और परिंदों को भी खिलाते थे। इस वजह से अरब के लोग फयास और मुतीबुत्तैरुस्समाई आसमान के परिंदों को खाना खिलाने वाले के लखब से याद करते थे आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को। शराब को अपने ऊपर हराम कर रखा था, शराब की उम्मती आई थी, सब शराब पीते थे, लेकिन आपने पीते थे आपके दादा। अब चाहे जमजम, अब नबी करीम की आमद आमद थी, सब चीज़ें निकल रही। कबीले जुरहम का असली वतन यमन था, मशीयती यजदी से यमन में खैर पड़ा, इस वजह से बनी जुरहम माश की तलाश में निकले। इत्तेफाक से असनाए राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी वालदे माजिदा हज़रत हाजरा से चाहे जमजम के करीब मुलाकात हो गई। बनू जुरहम को यह जगह पसंद आई और जगह क़ियाम फरजीर हो गई। फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी इसी कबीले की लड़की से हुई और नबूवत मिलने के बाद आप जुरहम और अहले यमन की तरफ मबूस हुए। 130 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ और हतीम में अपने वालिदे माजिदा के करीब मदफून हुए, मुकाम हतीम में। इस्माइल अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हस्बे वसीयत उनके बेटे खैदार खाने काबा के मुतवली हुए। इस तरह बनू इस्माइल खाने काबा के मुतवली होते रहे के वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। एक ज़माने के बाद बनू इस्माइल और बनू जुरहम में मुखासिमत पैदा हो गई, बिलाखर झगड़ा हुआ और जुरहम गालिब आ गए, लड़ाई हुई, और मक्के में बनू जुरहम के हुकाम लोगों पर जुल्म सितम ढाने लगे। यहाँ तक कि जुल्मकिया के औलाद इस्माइल को मक्के के से निकलकर अतराफ और उसके मक्के के जवाब अतराफ और जवाली में आबाद हो गए। जब कबीले जुरहम
का ज़ुल्म व सितम और बैतुल्लाह की बेहुर्मती हद से गुजर गई तो हर तरफ से अरब के कबाइल मुकाबले के लिए उठ खड़े हो गए। मजबूरन कबीले जुरम को मक्के से निकलना और भागना पड़ा, लेकिन मक्के से निकले तो खाने काबा की चीज़ों को बीर जमजम में दफन कर गए और बीर जमजम को इस तरह बंद कर दिया कि ज़मीन के अंबार हो गया और जमजम का निशान भी ना रहा। बनू जुरम के जाने के बाद बनी इस्माइल मक्का वापस आ गई, फिर आबाद हो गई, लेकिन किसी ने की भी तवज्जो जमजम के कोई तरफ नहीं गई। उसका नाम और निशान तक बाकी ना रहा, यहाँ तक कि जब मक्के की सरदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कब्ज़े में आई और अल्लाह ताला ने चाहा कि बीर जमजम जो अरसे से बंद और बेनाम और निशान पड़ा इसको ज़ाहिर किया जाए, तो रूए सादिखा यानि सच्चे ख्वाब के ज़रिए से अब्दुल मुत्तलिब को इस जगह खोदने का हुक्म दिया और इस जगह के निशानात और अलामात ख्वाब में बताए गए। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं हतीम में सो रहा था कि एक आने वाले ने मेरे पास आया नींद में और मुझसे ख्वाब में कहा कि ईफर बर्रा बर्रा को खोदो। मैंने दरियाफ्त किया वमा बर्रा, बर्रा क्या चीज़ है, तो शख्स चला गया कुछ भी ने बोला। अगले रोज़ फिर जगह वही जगह सो रहा था, ख्वाब में आया देखा कि वही शख्स कह रहा है कि ईफर मजमूना। मैंने पूछा वमा मजमूना, मजमूना क्या है, तो मैंने उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर चला गया वो शख्स। तीसरे रोज़ फिर जगह ख्वाब देखा मैं, वो शख्स ये कह रहा है ईफर तय्यबा। मैंने पूछा वमा तय्यबा, तय्यबा क्या है, तो उसने कोई जवाब ना दिया, अब चला गया। फिर चौथे रोज़ ख्वाब में आया वही शख्स, अब कहा ईफर जमजम, मैंने जमजम को खोदो। मैंने कहा वमा जमजम, तो उसने जवाब दिया वो पानी का एक कुआँ है कि जिसका पानी ना कभी टूटता है और ना कभी कम होता है, बेशुमार उज्जाज को सैराब करता है, ऐसा कुआँ है। और फिर जगह के कुछ निशानात और अलामात उस शख्स ने बता दिए। इस जगह को कहा गया खोदो। इस तरह बार बार देखने और निशानात के बतलाने से अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि यह सच्चा ख्वाब है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश से अपना ख्वाब जिक्र किया और कहा कि मेरा इरादा है जगह को खोद देगा। कुरैश ने खोदने की मुखालिफत की, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुखालिफत की परवाह नहीं की और कुदाल और फौड़ा लेकर अपने बेटे एक ही बेटे थे हज़रत हारिस की लेकर उस जगह पहुँचे और निशान के मुताबिक खोदना शुरू किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खोदते जाते और हारिस मिट्टी उठा उठा कर फेंकते बाहर फेंकते जाते। तीन रोज़ खोदने के बाद कुएँ की दीवार ज़ाहिर हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने फर्त मसरत से खुशी के आलम में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ये कहा कि यही इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआ है। फिर उसके बाद आपने ये नज़र मानी कि मालिक मुझे एक बेटा है, काश अगर दस होता तो जल्दी खुद जाता, तो मुझे दस बेटे देगा तो मैं काबे के रब की एक नज़र करूँगा, कुर्बानी करूँगा एक बेटे की। जब अल्लाह ने इनकी आर्ज़ और तमन्ना पूरी की कि दस बेटे पूरे हो गए, तो एक रात खाने काबा के सामने सो रहे थे, ख्वाब देख रहे कि शख्स कह रहा है अब्दुल मुत्तलिब, है अब्दुल मुत्तलिब इस नज़र को पूरा कीजिए जो आपने इस घर के मालिक के लिए मानी थी। अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब से बेदार हुए, सब बेटों को जमा किया और अपने नज़र और ख्वाब की खबर दी। सब ने एक जबान होकर कहा कि जो है आप अपनी नज़र पूरी करें और जो चाहे करें। क्या बेटे थे देखिए, फरमाबरदार। अब्दुल मुत्तलिब ने सब बेटों के नाम चिट्ठियों पर लेकर कुरा डाला। उसने इत्तेफाक से कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला जिनको अब्दुल मुत्तलिब सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे, पहुँचाते थे। न सिर्फ वो बल्कि सारा ख़ानदान हज़रत अब्दुल्ला को चाहता था। बचपन से बड़े अखलाक किरदार हुस्न जमाल सब भाइयों से इम्तियाजी खूबियों के हामिल थे। हज़रत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा कुर्बानगाह की तरफ चले और छुरी भी साथ ले ली जुबा करने के लिए बेटे को। हज़रत अब्दुल्ला की बहनें ये देखकर रोने लगी और इनमें से एक बहन ने कहा बाप दस ऊँटों और अब्दुल्ला में खुरा डाला। उस जमाने में एक जान की वदियत दस ऊँट थे और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बेटी की बात मान गए और एक पे दस ऊँट और एक पे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला का लिखे ना खुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। दस दस ऊँट बता बढ़ाते जाते खुरा अब्दुल्ला के नाम निकलता। जब सौ ऊँट की चिट्ठी डाली गई तो जब अब्दुल्ला का नाम नहीं निकला, ऊँटों का नाम निकला, सौ ऊँट आपने कुर्बान किए। और ये कहाँ करे, सफ़ा और मरवा के दरमियान, सही जो करते ना उसके दरमियान आपने ऊँटों को कुर्बान किया। आपकी बहनें हज़रत अब्दुल्ला को खुशी खुशी उठाकर घर लेकर आई। इस वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल्ला ज़बी के लक़ब से
मौसूम हुए और इस वजह से नबी करीम को इब्न ज़बीहीन कहते हैं, यानी दो ज़बी के फर्जंद। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बार हम हज़रत की खिदमत बाबरकत में हज़रत हुसैन की खिदमत में, हज़रत माविया फरमाते कि एक एराबी आया और आप उनके लफ्ज़ों से खिताब किया है इब्न ज़बीहीन, आप सबसे तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा दी। हज़रत माविया ने हज़रत अब्दुल्ला के वाक़िया बयान करके कहा कि हज़रत अब्दुल्ला और दूसरे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दो ज़बीहों से बरा। फिर हज़रत अब्दुल्ला का निकाह बनू ज़ोरा कबीले की बहुत ही पाकीज़ा लड़की बीबी आमिना से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किया। हुज़ूर अकरम सल्लम अपनी माँ के पेट में थे कि वालिद का साया सरसर गया, तिजारती काफिला लेकर गए, मुल्क शाम वापस आने लगे तो यसरब के मुकाम पर जिसको आज मदीने मुनव्वरा कहते बीमार हो गए, वो ननियाल था, तो आपने कहा है मेरे मामों का मकान में रुक जाता हूँ, बुखार शदीद चढ़ गया। सब वापस आ गए, जब अब्दुल्ला नहीं आए तो आपने पूछा सब लोगों से काफिले वालों के मेरा बेटा कहाँ है, तो कहा गया कि उनको शदीद बीमार रुक गए, तो अपने हारिस बड़े बेटे को कहा जाओ और बेटे को लेके आओ अब्दुल्ला को, देखिए बहुत चाहते थे। जब वहाँ गए तो पता चला इंतकाल हो गया, बुखार वहाँ के ये गमनाक खबर दिए तो बहुत मलूल हो गए अब्दुल मुत्तलिब, बहुत चाहते थे उस बेटे को। लेकिन 10 अप्रैल 570 ईस्वी दो शंबे को मक्के मुकरमा में सुबह सादिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। उस्मान इब्न अल-आस की वालदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती है कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमिना के पास मौजूद थी, तो उस वक्त देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और देखा कि आसमान के सितारे चुके आते हैं, यहाँ तक कि मुझको ये गुमान हुआ कि सितारे मुझ पर आ गिरेंगे क्या, ऐसा करीब आ गए थे सितारे। ऐवान-ए-कसरा में जलजला आया, ऐवान-ए-किसरा में जलजला आया और फारिस का आतिश कदा जो हज़ार साल से रोशन था बुझ गया, और इस जलजले की वजह से ऐवान-ए-किसरा के 14 कंगूरे गिर गए। जब आप विलादत हुई आपकी, बीबी आमिना फरमाती है एक रोशनी फूटी मेरे कमरे से और महसूस हुआ कि सारे आलम में फैल गई और मौसल शहर की शहर मुझे नज़र आया, वहाँ की इमारतें नज़र आई। तो बताया बाज़ ने कहा मुल्क शाम की, बाज़ ने तो कहा मुल्क शाम बताई गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जिनके आने के लिए ज़माना जिनका इंतज़ार कर रहा था वो उनकी विलादत ही बता रही थी कि नूर फैल गया, और ये नूर तौहीद और रिसालत का नूर था जो सुबह क़ियामत तक फैलता रहेगा और कुफ्र शिर्क के अंधेरे पर ये गालिब आता रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि वक्त नमाज का भी करीब है और मुझे आने भी क्योंकि एक बार किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया था, कम से कम नमाज जनाजा में सब भाइयों का इसराता शरीक होकर जाए, तो शरीक होकर आने में काफ़ी देर हो गई। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी होगी तो तफसील से इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक हमने जो कुछ सीरत तैयबा बयान करने की सआदत हासिल की, मालिक इससे ज़रिए हमारे लिए खैर व बरकत ला, मालिक हुज़ूर की सच्ची मोहब्बत हमको अता फरमा और आपकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक हमको दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ मुहम्मदिन व आलिही व सहबी अजमईन। प्रोग्राम के मुताबिक मतीउद्दीन क़ाज़ी साहब का किताब सलाम फरमाया, ज़ाहिर है कि मजबूरियाँ होती हैं बाद नमाज जनाज़ा हमेशा तो नहीं होती और वो उस वजह से तारीफ हुई, और आपने हमारे मस्जिद के पेशमान शायर साहब का खिताब सुना जो हमारे यहाँ शायर साहब मस्जिद पेशमान, उन्होंने कुछ ऐसे मजमून सुनाए आपको जो मजमून तकरीबन से मुताबिक है। अल्लाह मैंने आपसे पहले गुजारिश की थी कि कम अज़ कम एक को साथ नहीं है, अगर एक को साथ लाए तो अब अंदर लगेगी, अगर 15 आदमी आ रहे हैं तो 30 आदमी रहेंगे। कोशिश कीजिए, मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि लोग घर बार छोड़ के भी बच्चों को छोड़ के मुलाजमत छोड़ के ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के तकलीफ पर निकल जाते हैं। आप कम से कम इतना तो कीजिए, ये भी एक तकलीफ के साथी को लाए और वो उससे इस्तेमाल करें ऐसी मुबारक महफिलों से और ऐसी मालूमती महफिलों से। ज़ाहिर है कि आज कल के हालात के अतबार से 24 मिनटों में उनका मौका नहीं मिलता,
वो मौके से इस्तेमाल नहीं कर सके, कोई दीनी मालूम नहीं सके, चूँकि वक्त हो चुका है। सिर्फ ये ऐलान किया, कल भी परसों आपके जाने पहचाने शहर हैदराबाद के नाम पर प्रोफेसर मजीद बेदा साहब, ये उस्मानी यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं, बहुत ही अहम अनुमान उन्होंने दिया है इकबाल शिनासी में। इकबाल शिनासी की 1029वीं नशिस्त है और उन्होंने अनुमान दिया है अल्लामा इकबाल की शायरी में मशरिक़ व मग़रिब का तवाज़ुन। अब यह अंदाज़ा लगाइए कि मशरिक़ व मग़रिब के तवाज़ुन में कितनी अहम बातें पोशीदा हैं। मशरिक़ और मग़रिब में यानी शायरी में जो उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब के बारे में जिक्र किया है वो आपके लिए बहुत ही मालूम आता होगी। आपको तो मालूम ये भी समझ गया आपके लिए शायद नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है सियासी राजनीतिक से इसलिए। खैर, मैं आज के नोबेल साहब के तकरीर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए कि आपने सुना कि कितनी पुरमस तकरीर थी, पुरमस समता लिख रही है और वो हमेशा में ऐसा नाम आते हैं पर जो यहाँ पर आकर में मुखातिब करते हैं। चूँकि दुआ हो चुकी है, मैं बहुत बार खस्ते किया जाएगा।